I will wait another 5 minutes. Let other students. सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, हम इतने वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ओके, आई हैव शेयर्ड द अटेंडेंस टिल नाउ, यू कैन चेक। In the classwork and also in the stream, you can check this. And if you have any issues, you write your comments here. Okay. So check your attendance. If you have any query or any issue, you let me know. Because I have to submit this attendance up to the evening, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। Is it visible? Visible है सभी को? Hello, मेरी आवाज आ रही है? So attendance is visible. Any issues you can, any query? किसी को क्वेरी है अटेंडेंस के बारे में तो मुझे अभी बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं नहीं सुन पाऊँगा। लाइक अजय एंड अनिल एंड राहुल, ये तीनों ही क्लास में नहीं आ रहे हैं तो इनकी अटेंडेंस बिल्कुल पुअर जा रही है और इनके लिए आगे भी दिक्कत होने वाली है। मैंने पहले भी लिखा था कि ये क्लास में आ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, ना तो अजय आ रहा है, ना अनिल और ना ही राहुल। सो दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर देमसेल्व्स। So today we will start our next topic. So yesterday I have told you three models of neuron which are very important for you. The first one was the MP model, McCulloch-Pitts model. MP model जो है सबसे basic model है, weights हमारे fixed हैं इसके अंदर और हमारी equations एक activation और output signal के लिए, ये मैंने आपको बताई थी। The output is non-linear, हमारा non-linear output है। These are non-linear examples. The binary, ramp and sigmoid functions are non-linear. So MP model is for fixed values, very first model of neuron. The second model of neuron which I told you was perceptron model. Rosenblatt invented this model, and there is a little bit modification in the
एमपी मॉडल के अंदर हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है परसेप्ट्रॉन मॉडल के अंदर। तो जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है, हमने जो इनपुट है इनपुट के आगे एक सेंसरी यूनिट अटैच कर दी एंड द इनपुट इज टेकन फ्रॉम दीज सेंसर्स। नाउ ये जो सेंसर्स हमें दिख रहे हैं, फ्रॉम दीज सेंसर्स वी हैव टेकन द इनपुट एंड दैट इनपुट इज फेड टू द एसोसिएशन यूनिट्स। नाउ द इनपुट यूनिट्स हेयर आर नोन एज एसोसिएशन यूनिट्स। द आउटपुट इज कंपेयर्ड विद द आउटपुट इज कंपेयर्ड विद द डिज़ायर्ड आउटपुट। हमारी जो डिज़ायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए उससे हमने इसको कंपेयर करना है, हमारी जो आउटपुट आ रही है। अगर उसके अंदर कोई एरर है तो हम क्या करते हैं, एरर को फाइंड आउट करते हैं। एरर इज फाइंड आउट बी माइनस एस, मैंने आपको कल बताया था। उसके अकॉर्डिंग हम वेट्स को एडजस्ट करते हैं, दीज वेट्स आर एडजस्टेड। डेल्टा डब्ल्यू इज चेंज इन द एरर मल्टीप्लाई बाई ए आई। सो नाउ द वेट्स हेयर आर एडजस्टेबल एंड इन द एम पी मॉडल द वेट्स वर नॉट एडजस्टेबल। सो मैनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट टू राइट वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परसेप्ट्रॉन मॉडल एंड द मैकलॉक पिट्स मॉडल। एम पी मॉडल और परसेप्ट्रॉन जो मॉडल है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये आंसर्स बता सकते हो। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो थर्ड मॉडल पढ़ा था दैट वाज दी अडेप्टिव लीनियर एलिमेंट मॉडल। विड्रो ने 1962 के अंदर इस मॉडल को डिज़ाइन किया था। डिफरेंस इसमें और एडलाइन के अंदर क्या है, एडलाइन जो मॉडल है वो उसी सिमिलर है बट हमारा जो फंक्शन है वहाँ नॉन लीनियर था, इसमें नॉन लीनियर, एमपी मॉडल के अंदर भी नॉन लीनियर, मगर एडलाइन मॉडल जो है उसके अंदर हमारा जो आउटपुट फंक्शन है दैट इज़ लीनियर। हमारा जो फंक्शन है दैट इज़ लीनियर। ओके, सो यहाँ वेट्स की जो एडजस्टमेंट है दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मीन। हम मीन निकालते हैं एंड मीन इज स्पेशल मीन दैट इज़ द स्क्वेयर्ड मीन। स्क्वेयर्ड मीन की मदद से हम एरर को फाइंड आउट करते हैं। That is why this Adeline model is also known as least mean squared error learning law. This is also known as least mean squared error learning law. So another name is also there, that is the gradient descent algorithm. तो इसके तीन नाम हैं, Adeline model, least LMS error learning law and gradient डिसेंट एल्गोरिथम। सो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर यानी कल मैंने आपको तीन मॉडल आपको बताए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगा आप सभी प्लीज़ बुक में से पढ़ें इसको, इन तीनों मॉडल्स को बुक में से पढ़ें। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम आई हैव ऑलरेडी मैंशनड दिस लिंक ऑन दी क्लासरूम ऑल्सो। आपकी क्लासरूम के अंदर भी मैंने इस ट्यूटोरियल पॉइंट का लिंक डाल रखा है, यू कैन चेक। दिस इज इन यूनिट वन, आई हैव ऑलरेडी पुट दिस लिंक ऑफ ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इट इज़ ए वेरी गुड, यू विल फाइंड वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो टुडे आई विल take some references from this website tutorials point. So what are the building blocks of artificial neural network? Aaj ka topic jo hai wo hai ki artificial neural network ke building blocks kaun kaun se hain. So processing of artificial neural network depends upon the three building blocks. Teen hamare building blocks hain artificial neural network ke: network topology, adjustment of weights एंड एक्टिवेशन फंक्शंस। ये तीन हमारे जो है तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के। सो नेटवर्क टॉपोलॉजी, एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स और लर्निंग एंड एक्टिवेशन फंक्शन, ये हमारे तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा नेटवर्क टॉपोलॉजी की।
जो हमारा टॉपिक है मैं बुक में से भी आपको कराऊंगा। सबसे पहले उसके बारे में ए लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ रिटन हेयर। यहाँ कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमारी बुक से, बुक के अंदर से भी हम पढ़ेंगे, बट पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम दिस नेटवर्क टॉपोलॉजी। तो सबसे पहले नेटवर्क टॉपोलॉजी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स, वेट्स की एडजस्टमेंट हम कैसे कर रहे हैं, जो हमने अभी पढ़ा है एडेलाइन मॉडल और परसेप्ट्रॉन मॉडल, जिसके अंदर हम वेट्स को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये वेट्स को हम एडजस्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। द एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स, जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स, एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स इज नोन बाय अनदर नेम आल्सो, दैट इज़ द लर्निंग, उसको हम लर्निंग भी बोलते हैं। हमारे वेट्स की एडजस्टमेंट इज आल्सो नोन एज लर्निंग। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द नेटवर्क बिल्डिंग ब्लॉक्स इज द एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन कौन कौन से हैं जो हमने पढ़े हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ दिस एक्टिवेशन, क्यों ज़रूरत हमें इस एक्टिवेशन की, एक्टिवेशन वैल्यू हमारी आ रही है, एक्टिवेशन वैल्यू से हम आउटपुट सिग्नल निकाल रहे हैं, तो व्हाट इज़ दिस एक्टिवेशन वैल्यू एंड व्हाई एंड हाउ इट इज़ फाइंड आउट, व्हाट इज़ द चेंज इन द वेट। सो ऑल दीज वी विल डिस्कस हेयर इन द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क टॉपोलॉजी की। So a network topology is the arrangement of a network along with its nodes and connecting lines. According to the topology, artificial neural network can be classified as the following kinds. हमारी जो network topology है उसकी हम adjustment और nodes और connecting जो lines हैं हमारे weights हैं उनकी एडजस्टमेंट के बाद हमारे तीन तरह के हमारे नेटवर्क बनते हैं इसके अंदर। इट इज़ लाइक ए टॉपोलॉजी, जैसे हमने वायरलेस या वायर्ड कम्युनिकेशन के अंदर टॉपोलॉजी पढ़ी थी, इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की भी एक टॉपोलॉजी है। टॉपोलॉजी कौन कौन सी है, वो सबसे पहले है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। सबसे पहला जो नेटवर्क है वो है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। So what is a feed forward network? Here it is written, it is a non-recurrent network having processing units nodes in the layers, and all the nodes in a layer are connected with the nodes of the previous layer. The connection has different weights upon them. There is no feedback loop, means the signal can only flow in one direction from input to output. It may be divided into two types. हमारा जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है नॉन रिकरेंट नेटवर्क है, मींस ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन इनपुट से आउटपुट तक। हमारा जो फ्लो है दैट इज़ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। देर इज़ नो फीडबैक लूप, हमारा कोई भी फीडबैक इसके अंदर हम इसको नहीं देते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, ये जो दिखा रखा है दिस इज़ नोन एज सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। द कॉन्सेप्ट इज ऑफ फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैविंग ओनली वन वेटेड लेयर, इन अदर वर्ड्स वी कैन से द इनपुट लेयर इज़ फुल्ली कनेक्टेड टू द आउटपुट लेयर। हमारे इनपुट लेयर्स के सारे पॉइंट्स आउटपुट लेयर के सारे पॉइंट्स से कनेक्टेड हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। नेक्स्ट इज़ दी मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। जब हमारे सिंगल लेयर है यानी उसके अंदर सिर्फ दो ही लेयर्स हैं, एक इनपुट लेयर एक आउटपुट लेयर, वन डायरेक्शन के अंदर हमारा फ्लो हो रहा है। अगर मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है तो उसके अंदर क्या है, हमारे इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में हिडन लेयर्स भी हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज ऑफ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, एंड इन दिस नेटवर्क one more layer has been inserted between the input and the output, and that layer is known as the hidden layer. Okay, so that layer is known as the hidden layer. So this is a multi-layer feed forward network. These two are very basic
नेटवर्क्स ऑफ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के हमारे दो टाइप्स हैं, सिंगल लेयर एंड मल्टी लेयर। नेक्स्ट इज द फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क जैसे कि नाम बता रहा है, एज द नेम सजेस्ट द फीडबैक नेटवर्क हैज फीडबैक पाथ्स, विच मीन्स द सिग्नल कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस यूजिंग लूप। हर डायरेक्शन के अंदर हमारा हमारा सिग्नल मूव करता है। दिस मेक्स इट ए नॉन लीनियर डायनेमिक सिस्टम विच चेंजेस कंटिन्यूसली अंटिल इट रीचेज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब तक हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट हमारी आ नहीं जाती, जब तक ये अपनी इंफॉर्मेशन को अपने वेट्स को चेंज करवा रहता है ये नेटवर्क। और ये नेटवर्क जैसे वो दो तरह का था, दिस नेटवर्क इज़ ऑफ थ्री टाइप्स, रिकरेंट नेटवर्क, फुल्ली रिकरेंट नेटवर्क एंड दी जॉर्डन नेटवर्क। ये तीन तरह का होता है हमारा, रिकरेंट, फुल्ली रिकरेंट एंड दी जॉर्डन नेटवर्क। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिकरेंट नेटवर्क की। सो दे आर फीडबैक नेटवर्क विद क्लोज लूप। फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ रिकरेंट नेटवर्क। फुल्ली रिकरेंट नेटवर्क जैसा कि हमको इस ग्राफ में दिख रहा है, इट इज़ द सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क बिकॉज ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ऑल द अदर नोड्स एंड ईच नोड वर्क्स ऑन बोथ इनपुट एंड आउटपुट। हर नोड एक दूसरी नोड से कनेक्टेड है और हर नोड ही एक इनपुट है और हर नोड ही एक आउटपुट है। दैट इज़ नोन एज ए fully recurrent network. Next is Jordan network. So Jordan network हमारा इस तरह का है, हमारी input hidden और output layers हैं। ये जो था इसके अंदर हमने output से input layer को attach कर दिया, output से input layer को attach कर दिया, so that become a Jordan network. हमारा जो multi-layer feed forward network है उसके अंदर हमने input और output को आपस में जोड़ दिया तो हमारा जॉर्डन नेटवर्क बन गया। इट इज़ ए क्लोज्ड लूप नेटवर्क इन विच द आउटपुट विल गो टू द इनपुट अगेन एज ए फीडबैक एंड इट इज़ नोन एज ए जॉर्डन नेटवर्क। ओके, सो ये दो तरह के नेटवर्क हैं हमारे। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क टॉपोलॉजी सबसे पहले हमने पढ़ा है टॉपिक। नेक्स्ट इज द एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स और लर्निंग। टोपोलॉजी कुछ और टाइप्स की भी है जो मैं आपको बुक में से कराऊंगा अभी, पहले एक बार हम सेकंड पॉइंट कर लें। वी विल डिस्कस द टोपोलॉजी फ्रॉम द बुक आफ्टर दिस थ्री पॉइंट्स। सो नेक्स्ट इज द एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स एंड लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट इज एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स और लर्निंग। सो लर्निंग हमारी जो वेट्स की एडजस्टमेंट है उसका जो हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क की जो लैंग्वेज है उसके अंदर उसका नाम दिया गया है, दैट इज़ नोन एज लर्निंग। सो लर्निंग इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज़ द मेथड ऑफ मॉडिफाइंग द वेट्स ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द न्यूरॉन्स ऑफ ए स्पेसिफाइड नेटवर्क। लर्निंग इन ए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। हमारे तीन तरह की होती है लर्निंग जो है, यानी कि एडजस्टमेंट जो वेट्स की हमें करनी है अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड आउटपुट। हमें जो डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें वेट्स के अंदर चेंजेस करने हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, हमने वेट्स की एडजस्टमेंट करनी है। जैसे हमारा एरर आया, एरर से हमें वेट्स की एडजस्टमेंट करनी है। तो वो कैसे करनी है और उस एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स को हमने दूसरा नाम दिया है और उसका जो नाम है दैट इज़ नोन एज लर्निंग। तो वेट्स की एडजस्टमेंट करने के लिए तीन तरह की हमारी वेट्स की एडजस्टमेंट है। फर्स्ट वन इज़ नोन एज द सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकंड वन इज़ नोन एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड द थर्ड वन इज़ नोन एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तीन तरह की हमारी लर्निंग है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तीन तरह की हमारी लर्निंग है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सुपरवाइज्ड लर्निंग की। सुपरविजन यानी कि यहाँ एक टीचर और स्टूडेंट जैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसी तरह से ये लर्निंग है। एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज़ डन विद द सुपरविजन ऑफ ए टीचर। दिस लर्निंग प्रोसेस इज़ डिपेंडेंट। ये जो टीचर है, टीचर नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द नेटवर्क।
तो मैंने आपको एक वीडियो भी दो वीडियो दिखाए थे दैट उसके अंदर जो कोआला वाला जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था वो एक टाइप थी हमारी सुपरवाइज लर्निंग की बिकॉज वेन एवर सर जी रीचेस टू द सुपरवाइजर ही आस्क द सुपरवाइजर अबाउट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कोआला एंड देन दैट इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स सो दैट इज़ नोन एज द सुपरवाइज लर्निंग जहाँ सुपरविजन एक टीचर एक डिज़ायर्ड आउटपुट है हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने वेट्स को चेंज करना है सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सबसे पहले हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है उसके अंदर ट्रेनिंग होती है इंफॉर्मेशन कैप्चर की जाती है ट्रेनिंग हर चीज़ जगह ज़रूरत है अगर आप भी कोई इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी लर्न करना पड़ेगा उसको फॉर एग्जांपल शायद मैं इस वीक से आपकी मैटलैब की क्लासेस स्टार्ट करूँ तो आपको मैटलैब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैटलैब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आप लर्न करेंगे और अपने आपको ट्रेन करेंगे सो दैट ट्रेनिंग इज़ गिवन बाय मी मैं आपको ट्रेन करूँगा एंड दिस मैटलैब की जो लर्निंग है ये टाइप है हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग विद द हेल्प ऑफ मी यू विल लर्न अबाउट द मैटलैब मैटलैब के ऊपर हमें कैसे काम करना है व्हाट इज़ मैटलैब तो वो उसकी ट्रेनिंग लेना आप किसी भी आप फॉर एग्जांपल आप किसी सर्टिफिकेशन करते हैं आप नेटवर्किंग की सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऐसे नहीं बनेंगे सबसे पहले आपको 6 महीने का कोई कोर्स करना पड़ेगा सो दैट कोर्स इज़ एज ए ट्रेनिंग तो सबसे पहले हमारा जो नेटवर्क है उसको हमें ट्रेन करना पड़ता है सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अंडर सुपरवाइज्ड लर्निंग द इनपुट वेक्टर इज प्रेजेंटेड टू द नेटवर्क विच विल गिव एन आउटपुट वेक्टर द आउटपुट वेक्टर इज कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड आउटपुट वेक्टर अभी तक हमने यही डिस्कस किया है कि हमारी जो आउटपुट इन्फॉर्मेशन है उसको डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन से हम कंपेयर करेंगे अगर हमारा एरर आ जाता है सो इफ़ द एरर इज द इनपुट इज गिवन टू द न्यूरल नेटवर्क एंड आउटपुट इज प्रेजेंटेड दिस आउटपुट इज कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड आउटपुट एंड इफ देयर इज एन एरर इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द डिजायर्ड आउटपुट दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस डी माइनस वाई डी में से वाई को ये हमारा एरर हमारा आ जाएगा सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एरर सिग्नल इस एरर सिग्नल के बेसिस पे द वेट्स ऑफ दिस नेटवर्क आर एडजस्टेड द वेट्स ऑफ द नेटवर्क आर एडजस्टेड द वेट्स ऑफ द नेटवर्क आर एडजस्टेड दिस इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग अनटिल द एक्चुअल आउटपुट इज मैच्ड विद द डिजायर्ड जब तक हमारी एक्चुअल आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट से मैच नहीं हो जाती जब तक हम वेट्स को एडजस्ट करते रहेंगे सो दिस इज नोन एज द सुपरवाइज्ड लर्निंग नेक्स्ट इज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सो एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज डन विदाउट द सुपरविजन ऑफ द टीचर हमें डिजायर्ड आउटपुट जो है इसके अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है तो उस टीचर की कोई सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट ये कह देंगे कि सर हम अपने आप कर लेंगे मैटलैब हमें नहीं ज़रूरत सो दिस लर्निंग प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अंडर अनसुपरवाइज लर्निंग द इनपुट वैक्टर्स ऑफ सिमिलर टाइप आर कंबाइंड टू फॉर्म क्लस्टर्स जो हमारे इनपुट वैक्टर्स हैं जो एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं उनको कंबाइन किया जाता है एक क्लस्टर बनाया जाता है और व्हेन ए न्यू इनपुट पैटर्न इज अप्लाइड देन द न्यूरल नेटवर्क गिव्स एन आउटपुट रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग द क्लास टू विच द इनपुट पैटर्न बिलोंग्स जब भी हमारा एक न्यू पैटर्न बनता है तो हमारी जो आउटपुट है वो उस क्लास को इन्फॉर्मेशन देती है जिससे वो बिलोंग करता है तो देर इज़ नो फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट हमारे पास एनवायरनमेंट से कोई फीडबैक नहीं है यानी कि देर इज़ नो सेंसरी यूनिट हमारी कोई सेंसरी यूनिट इसके अंदर अटैच नहीं होती सो एज़ टू वट शुड बी डिज़ायर्ड आउटपुट एंड इफ इट इज़ टू करेक्ट और इनकरेक्ट क्योंकि हमें हमारे पास कोई भी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं है तो हमें कुछ भी करेक्ट नहीं करना कुछ भी इनकरेक्ट हमें बताना नहीं है सो इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग द नेटवर्क इट सेल्फ
मस्ट डिस्कवर द पैटर्न्स एंड फीचर्स फ्रॉम द इनपुट डाटा. नेटवर्क अपने आप ही पैटर्न्स और फीचर्स को फाइंड आउट करता है एंड द रिलेशन फॉर द इनपुट डाटा ओवर द आउटपुट इज शोन इन द फिगर. इनपुट आउटपुट और इंफॉर्मेशन इज फेड टू द नेटवर्क इटसेल्फ विदाउट एनी डिजायर्ड विदाउट एनी सुपरविजन द इंफॉर्मेशन इज फेड. सो दिस इज नोन एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. इसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. द थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन इज नोन एज री इन्फोर्समेंट लर्निंग. सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी री इन्फोर्समेंट लर्निंग. एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज यूज टू री इन्फोर्स और स्ट्रेंथन द नेटवर्क ओवर सम क्रिटिक इन्फॉर्मेशन. जैसा कि यह नाम बता रहा है कि इसके अंदर हम नेटवर्क को कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे हम उसको हम उसे स्ट्रेंथन करते हैं हमारे नेटवर्क को. सो दिस लर्निंग प्रोसेस इज सिमिलर टू द सुपरवाइज्ड लर्निंग हावर वी माइट हैव वेरी लेस इन्फॉर्मेशन. उसके अंदर क्या है हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ यूनिक जो हमें चाहिए डिज़ायर्ड यही चाहिए हमको तो हमें वही फाइंड आउट करना पड़ेगा. मगर यहाँ हमारे पास ये नहीं पता कि हमें क्या चाहिए मगर कैसा चाहिए बस वही पता है हमें इसके अंदर. सो द इंफॉर्मेशन अबाउट वी हैव वेरी लेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द आउटपुट. हमारे पास हमारी आउटपुट कैसी होनी चाहिए उसके लिए हमारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है उसी से हमें उससे उस सिस्टम को लर्न करना है. सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ द नेटवर्क अंडर री इन्फॉर्मेशन लर्निंग द नेटवर्क रिसीव्स सम फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट. हमारे पास इसके अंदर कोई भी फीडबैक नहीं था एनवायरनमेंट था का इसके अंदर हम फीडबैक ले रहे हैं एनवायरनमेंट से. दिस मेक इट समवट सिमिलर टू द सुपरवाइज्ड लर्निंग हाउएवर द फीडबैक ऑब्टेन हेयर इज इवेल्युएटिव नॉट इंस्ट्रक्टिव. हमें जो सिग्नल मिला है उसको इवेल्युएट करना है. इवेल्युएट का मतलब उसको जज करना है उसको चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं. इंस्ट्रक्टिव नहीं है. उसके अंदर क्या था डिज़ायर्ड यानी कि इंस्ट्रक्शन थी कि ऐसा ही चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा ही चाहिए हमें हमने कहा है कि कुछ ऐसा चाहिए. सो इवेल्युएटिव इंफॉर्मेशन है नॉट इंस्ट्रक्टिव विच मीन्स देयर इज नो टीचर एज इन सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास टीचर था जो हमें बता रहा था कि ये हमारी आउटपुट होनी चाहिए. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. सो आफ्टर रिसीविंग द फीडबैक द नेटवर्क परफॉर्म्स द एडजस्टमेंट ऑफ द वेट्स टू गेट ए बेटर क्रिटिक इन्फॉर्मेशन इन द फ्यूचर. ओके सो वेट्स आर एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन विच वी गॉट फ्रॉम द एनवायरमेंट. ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिवेशन फंक्शन. एक्टिवेशन फंक्शन आई विल नॉट कंसिडर फ्रॉम दिस पेज. आई विल गो to the equations of these are the activation functions जो मैंने आपको कल बताए थे. सो ये तीन टाइप्स के हमारी इंफॉर्मेशन है अबाउट द न्यूरल नेटवर्क बिल्डिंग ब्लॉक्स टोपोलॉजी एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स एंड द एक्टिवेशन फंक्शंस. ओके सो मैं चाहूँगा कि मैंने जो अभी बताया है उससे आगे आप इन टॉपिक्स को पढ़िए. व्हाट इज़ लर्निंग, लर्निंग क्या होती है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन, लर्निंग रूल्स अभी मत करना. लर्निंग रूल्स मैं आपको बताऊँगा हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर. मैं आपको लर्निंग रूल्स बताऊँगा कौन कौन से हैं क्या यूज़ है उनका. ओके सो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो मैंने आपको बताया है उसको पढ़िए. कंपिटेटिव लर्निंग मैं आपको बताऊंगा. सो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ. परसेप्टर और मेडल मैंने आपको बता दिया है. रोजन ब्लैट का मॉडल था डेवलप्ड बाय रोजन ब्लैट बाय यूजिंग द एमपी मॉडल. सो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं. आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं. एडलाइन मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया है. सो ये दोनों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और बुक में से भी पढ़ सकते हैं. सो दीज आर दी मॉडल्स. नाउ आई विल टेक यू टुवर्ड्स योर सिलेबस. सो
So in this syllabus, I have covered the topics. These topics I have covered: principles, artificial neural network terminologies, models of the neural, and topologies. Topologies we are discussing. And tomorrow I will finish the last topic also about the topology. अभी कुछ टॉपोलॉजीज मैंने आपको बताई हैं, कुछ टॉपोलॉजीज मैं आपको कल बताऊंगा. तो यानी कि मैं आपका सेक्शन ए आई विल कंप्लीट टुमारो. सॉरी, टुमारो तो आपकी क्लास है क्या? कल कल आपकी क्लास नहीं है, फ्राइडे को मैं आपकी सेक्शन ए की लास्ट क्लास में आपकी फिनिश कर दूंगा. सेक्शन बी मैंने आज आपको थोड़ा बहुत बताया है. टाइप्स ऑफ लर्निंग मैंने आपको बताया, सुपरवाइज अनसुपरवाइज री इन्फॉर्मेशन लर्निंग के बारे में मैंने आपको बताया है. इसके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट कर देंगे सेक्शन बी को. तो फ्राइडे को तक मैं आपका ये कंप्लीट कर दूँगा. ओके.